गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी फ्रेंड अंकिता प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टुडेज न्यूज, जहां हम कराते हैं आपका फिल्मी दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के साथ एक नई अपडेट लेकर। इमरान खान का बेतुका बयान आया सामने, कहा बॉलीवुड के कारण ही पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं सेक्स अपराध। बॉलीवुड में इन दिनों कई ऐसी फिल्में बन रही हैं जो अश्लीलता को दिखा रही है और इन्हीं से परेशान होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया है। जी हाँ, वैसे तो वह अक्सर ही अपने बेतुके बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने यह कारनामा दिखाया है। दरअसल इमरान खान मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने बढ़ते सेक्स क्राइम को लेकर कुछ ऐसे कहा कि वह सुर्खियों में आ गई है। जी हाँ, उन्होंने अपने इस बयान में मोबाइल फोन पर आने वाले कंटेंट को बॉलीवुड और हॉलीवुड का बताया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी चुनौती आ रही है और वो फोन की वजह से है। मोबाइल फोन में बच्चों को भी कंटेंट मिल रहा है जो अब तक की कभी नहीं मिला। स्कूलों के अंदर बच्चों को ड्रग्स मिल रहा है। मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन जब से सत्ता हाथ में आई इसका पता चला। दूसरा सेक्स क्राइम है जो कि बाल यौन शोषण के रूप में पाकिस्तान में फैल रहा है, यह बहुत दुखद है। इसी के साथ ही इमरान खान ने बॉलीवुड और हॉलीवुड के कंटेंट पर कमेंट करते हुए कहा है कि इसके अलावा एक और चीज है, हम जो कंटेंट ले रहे हैं वो पहले हॉलीवुड और फिर बॉलीवुड से होता हुआ पाकिस्तान आ रहा है। यहाँ के लोगों को यह एहसास नहीं है कि हम पश्चिमी सभ्यता की सबसे हानिकारक चीज का सेवन कर रहे हैं, इसी वजह से लोगों का घर टूट रहा है। वैसे यह पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वह इस तरीके के बयान दे चुके हैं। बताते चले कि पाकिस्तान में कई फिल्में रिलीज नहीं हुई है और इस फिल्म में मुल्क, राजी, नाम शबाना, फैंटम और बेबी शामिल है और इसके अलावा कई फिल्में हैं जिनकी रिलीज पर पाकिस्तान में रोक लगा दी गई है। खैर, इस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। इस बार फिर उन्होंने बचकानी बातें कर सनसनी पैदा कर दी है। वेल फ्रेंड्स, आपको हमारी अपडेट कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। today.com पर भी हमारे न्यूज को आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट्स हम आप सभी को प्रोवाइड कराते रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप watching today's news.